एक ऐसी व्यवस्था जानबूझकर के यहां बनाई गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का कारोबार चलता रहे। ई गवर्नेंस लागू होने के बाद यह व्यवस्था बदली है, भ्रष्टाचार के तंत्र पर भी संजा कसा है और इसलिए आजकल कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, वो बहुत दर्द में है। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं लेकिन मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये पीड़ा और बढ़े क्योंकि टैक्स पेयर्स के एक एक पैसे की कमाई जम्मू कश्मीर के नागरिकों के कल्याण में खर्च हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यहां एक समय में पनपे और पोषित हुए भ्रष्टाचारी तंत्र को कैसे बदला जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेकर इंप्लीमेंटेशन में बेहतर पारदर्शिता की वजह से आम नागरिकों और प्रशासनिक मशीनरी में आपसी विश्वास ट्रस्ट का भाव पैदा हो रहा है और ये प्रयास निरंतर प्रशासन कर रहा है कि इंक्लूसिवनेस, ओपननेस, रिलायबल और पीपुल सेंट्रिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सके जिसमें हर एक व्यक्ति की सहूलियत, ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता मिले। मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता की यह बात है कि जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को जीने की कोशिश कर रहा है और मैं मानता हूं कि प्रशासन के हमारे सभी साथियों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं पुनः एक बार जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप की सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मैं केंद्र सरकार के सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से वी श्रीनिवास जी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस जम्मू कश्मीर और इस पूरे अभियान से जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं पूर्व सांसद था 1999 से 2004, तो 2003-04 की पेंशन, 2002-03 की पेंशन में ले चुका था, किसी कारण से दिल्ली जाना नहीं हुआ तो उसके पहले के 2 साल की पेंशन मेरी रुकी हुई। स्टेट बैंक है पार्लियामेंट के अंदर, मैं गया, मैंने उनको कागज लिखा, साहब आप जिंदा हैं इसका सर्टिफिकेट जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक पेंशन नहीं मिलेगी। 2002-03 की पेंशन में पा चुका था, 2000 से 2001 और 2001 से 2002 की पेंशन पाने के लिए उनके सामने मैं साक्षात खड़ा था। 2002-03 में मैं जिंदा था, उसका सर्टिफिकेट किए हुए था और मुझे पेंशन नहीं मिली। तो ये व्यवस्था है, व्यवस्था में काफी बदलाव टेक्नोलॉजी ने लाया है। और एक कहानी का खत्म करूंगा, एक हिंदी की मैगजीन छपती थी सारिका, पुराने लोगों को ध्यान में होगा, एक व्यंग के कथाकार थे भीषण टंडन, उन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख का शीर्षक था जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि देश का विकास नहीं हो रहा, बैठक हुई जैसी होती है और बैठक के बाद एक आयोग बना, आयोग के अध्यक्ष और कुछ मेंबर चिन्हित किए गए, नामित हुए। पहली बैठक में आयोग ने तय किया कि अगर देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल जहां शिक्षा दी जाती है प्राइमरी शिक्षा, वहां से हमें जांच शुरू करनी है। तो सुदूर ग्रामीण इलाके में अध्यक्ष जी गए, गांव का प्राइमरी स्कूल, यहां जैसा मौसम नहीं था, हुआ हेडमास्टर साहब जाड़े का दिन था, वो चारपाई पर आराम से लेते हुए थे। तो वो चेयरमैन साहब पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब मैं, भारत सरकार ने एक आयोग बनाया है,